प्रदेश के नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का विधिवत पूजन अर्चन करने पहुंचे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पर शासन में आई है। भ्रष्टाचारियों को किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ा जाएगा। जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। पार्टी का बहुत बड़ा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, लाखों की संख्या में करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, आदरणीय मोदी जी और योगी जी जैसा नेतृत्व है। तो अब भाजपा किसी क्षेत्र की, किसी जाति विशेष वर्ग की, किसी समूह की पार्टी नहीं है जी। अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आपके अहमदाबाद से लेकर नागालैंड मणिपुर तक सब जगह भाजपा की सरकारें हैं, भाजपा सरकार में शामिल है, भाजपा प्रमुख विपक्षी दल है। तो देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस फार्मूले पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने अनैतिक संपत्ति अर्जित की है, जिन्होंने अराजकता की है, गुंडागर्दी की है, बेईमानी की है, भ्रष्टाचार से साम्राज्य खड़े कर लिए, तो क्या उनको संरक्षण देना चाहिए? बीजेपी के घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में ये सारे विषय हैं। जनता ने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें यही जनादेश दिया है। हम संकल्पित हैं, जिन्होंने अनैतिक कार्य किए हैं उनके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।